खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात रांची की, जहां सुदेश महतो से मिले हैं दीपक प्रकाश। धर्मपाल जी उपचुनाव में आजसू से समर्थन को लेकर ये मुलाकात हुई है। सुदेश महतो के आवास पर बीजेपी नेताओं ने ये मुलाकात की है। तो उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती हुई सुदेश महतो के आवास पर बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की है उनसे। ये तस्वीरें, सुदेश महतो से मिलने पहुंचे दीपक प्रकाश और उपचुनाव में आजसू से समर्थन पर चर्चा हुई है। सुदेश महतो के आवास पर यह मुलाकात हुई है बीजेपी नेताओं की। बता दें आपको कि दो सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, बेरमो और दुमका में, और आजसू एनडीए का सहयोगी, और इसी को लेकर ये चर्चा। और ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी राकेश से, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, सियासी दाव पेच अब बढ़ता हुआ, देखिए जिस तरह से दो सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद ये हलचल तेज हो गई है, और इसी का एक हिस्सा ये भी कि सुदेश महतो से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता। बिल्कुल, देखिए लगातार बीजेपी के नेता आजसू से संपर्क में है, चाहे दिल्ली की बात करें या रांची की बात करें। दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि चंद्रप्रकाश चौधरी जो गिरिडीह से सांसद हैं, आजसू के, उनसे भी बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की है इस संदर्भ में। और जिस तरीके से चंद्रप्रकाश चौधरी का बयान आया है, उससे एक चीज तस्वीर जो है वो साफ हो गई आरती की, आजसू कहीं ना कहीं बेरमो उपचुनाव को लेकर हो या दुमका उपचुनाव को लेकर हो, वो बीजेपी को अपना समर्थन देने जा रही है। हालांकि औपचारिक तौर पर पार्टी की तरफ से ऐसी कोई घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं और जिस तरीके से हाल में ही चंद्रप्रकाश चौधरी का बयान आया था, उसे यह साफ हो जा रहा है कि आजसू का जो सपोर्ट है वो बीजेपी को मिलने जा रहा है। और बीजेपी के भी जो नेता है, चाहे वो दीपक प्रकाश हो या दूसरे बड़े नेता है, उनका भी कॉन्फिडेंट लेवल आजसू को लेकर काफी हाई है। शुरू से ही बीजेपी को ये लग रहा है कि जिस तरीके से आजसू ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का सपोर्ट किया था, उनके प्रत्याशी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरीके से इस उपचुनाव में भी आजसू का उनको समर्थन मिलेगा। और आज उसी संदर्भ में दीपक प्रकाश जो है उनके साथ धर्मपाल जी, उन्होंने आजसू प्रमुख सुदेश महतो से मुलाकात की है और बेहद कॉन्फिडेंट नजर आए ये दोनों नेता मुलाकात के बाद। और साफ तौर पर इन्होंने भरोसा जताया है कि आजसू जो है वो एनडीए का पहले भी हिस्सा था, एनडीए का भी हिस्सा है और आगे भी रहेगा। विधानसभा चुनाव जरूर आजसू ने अकेले लड़ा, सबकी तस्वीर अलग थी, लेकिन आपने देखा होगा राज्यसभा चुनाव में आजसू ने खुलकर सपोर्ट किया था बीजेपी प्रत्याशी का, तो उसी से बीजेपी को उम्मीद है कि इस चुनाव में भी, उपचुनाव में भी आजसू का उनको पूरा समर्थन मिलेगा। और आजसू की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं या फिर आजसू के जो नेताओं के जो बयान हाल में आए हैं, खासतौर पर अगर आप सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के बयान की बात करें, तो उनकी तरफ से भी संकेत साफ है कि बेरमो हो या दुमका हो, पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ नजर आएगी, यानी आजसू एनडीए का हिस्सा रहेगा। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राकेश।